हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड टुडे वी विल नॉट ओनली रीड बट आल्सो अगस्त करंट अफेयर्स 2020। सो वी गोना रीड इट। फर्स्टली यू कैन सी द यूजना। तो मैं आपको आप सभी को बताने जा रही हूँ पहले योजना का। ओके, जो योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, किसान सहाय योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई है। इसके अंतर्गत 33% से ज़्यादा अगर किसी किसान का फसल की क्षति होती है तो उसे 4 हेक्टेयर खेत के लिए 20,000 तक का मुआवजा दिया जाएगा। ओके, 4 हेक्टेयर खेत के लिए 20,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। ओके, अब सेकंड है एक मार्क्स अनेक जिंदगी योजना, जो मध्य प्रदेश द्वारा चलाया गया है, जिसमें एमपी के लोगों को या फिर पूरे इंडिया के लोगों को मास्क पहनने या फिर अपने आप को सेफ्टी रखने के लिए ये अभियान चलाया गया है। अरुणोदय योजना असम सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 830 रुपये हर महीने वहाँ के असम सरकार द्वारा असम की महिलाओं को 830 रुपये हर मंथ अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे वो अपनी ज़रूरत के सामान को खरीद सके। नमई वसई योजना केरल सरकार द्वारा लागू किया है, जिसके अंतर्गत आदिवासी बच्चों के घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना है। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह योजना राजनाथ सिंह द्वारा चलाया गया है। और अमृत योजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इसके अंतर्गत आपको मैं बता दूं कि पाइपलाइन के द्वारा जलापूर्ति करना तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करना है। ओके, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में भी इस योजना का प्रारंभ किया था। अब है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2015, जो 2020 के 15 अगस्त 74वें अवसर पर लागू किया गया है। और मध्य प्रदेश ने अपने राज्य के लिए नौकरियां की 10% सीटों को आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये मध्य प्रदेश जो है वो अपने स्टेट के लोगों को स्टेट के अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयड करने में 10% सीटों को आरक्षित करने वाला पहला राज्य बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण जिसका 5वां संस्करण हुआ है 2020 में, जिसमें पहला स्थान इंदौर और दूसरा स्थान सूरत का है। इसके स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश को स्वच्छता के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये स्थान प्रदान किया गया है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है। और चलिए आते हैं हम नियुक्तियाँ पे। नियुक्ति में प्रदीप जोशी, जो यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू को सीएजी और मनोज सिन्हा को JNK यानी जम्मू और कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर चुना गया है। सत्यपाल मलिक जिन्हें मेघालय के राज्यपाल के रूप में घोषित किया गया है, जो पहले गोवा के राज्यपाल थे और गोवा के राज्यपाल के स्थान को रिक्त होने के कारण भगत सिंह कोश्यारी, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्हें गोवा के राज्यपाल के रूप में घोषित कर दिया गया है। राकेश अस्थाना को BSF के महानिदेशक के रूप में घोषित किया गया है। दूसरी तरफ देखते हैं निधन के बारे में। प्रणब मुखर्जी, जो कोरोना महामारी के कारण कोमा में चले गए थे, उनकी मृत्यु 10 अगस्त को हुई। टिंडिंग हुई ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है। खेल की ओर देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। सुरेश रैना ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। और पुरस्कार की ओर आते हैं, 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर खेल पुरस्कार की घोषणा की। खेल पुरस्कार के अंतर्गत राजीव गांधी खेल पुरस्कार में रोहित शर्मा को क्रिकेट में, विनेश फोगाट को कुश्ती में और रानी राजपाल को हॉकी और मनिका बंत्र को टेबल टेनिस में पुरस्कृत किया गया है। इसी के साथ धन्यवाद। और जो जहाँ पे हमारी टाइपिंग की कुछ इश्यू हो गई है, उसके लिए हमें खेद है। नेक्स्ट टाइम से
इम्प्रूव करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और बने रहिए स्मार्ट सिटी विद आर्गेविज्म के साथ। और अगस्त के करंट अफेयर्स और उसके आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जितने भी आपको करंट अफेयर्स के लिए की ज़रूरत होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा ये वीडियो, जो भी वीडियो रहेगा हमारा, वो आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।